नानक जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। आप सबों को इंतजार होगा कि कुछ साधनाएं मिलेंगे। कुछ साधनाएं मैंने पहले भी आप लोगों को दी। अभी जो मैं साधना दे रहा हूँ, ये माँ तारा मतलब दूसरी जो दश महाविद्या है, इनका मूल मंत्र है। ठीक है, माँ तारा का बहुत सारा रूप है, बहुत सारा उनका मंत्र है। मैंने एक वेद से उठा के आप लोगों को बताया भी था कि कहा जाता है जो काली है वही तारा है और वही नील तारा है। ठीक, इस गुप्त नवरात्रि में तारा माँ का साधना सबसे ज्यादा लाभप्रद रहता है। जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक बड़े साबर मंत्र का छोटा हिस्सा है। इसका बड़ा साबर मंत्र मैंने आप लोगों को पहले पढ़ के सुनाया था, ओम आदि योग अनादि माया, जहाँ पर ब्रह्मांड उत्पन्न भया ब्रह्मांड समाया, आकाश मंडल तारा त्रिकुटा तोतला माता, तीनों वसे ब्रह्म कपाली, जहाँ पर ब्रह्म विष्णु महेश उत्पत्ति, सूज मुख तपे चंद्रमुख अमीरस पीवे, अग्निमुख जले आड कुवारी, हाथ खड़क गले मुंडमाल, मुर्दा मार ऊपर खड़ी देवी तारा, नीली काया पीली जटा, कली दंत जिभा दवाया, घोर तारा अघोर तारा, दूध पूत का भंडार भरा, पंचमुख करे हाहाकार, डाकनी शाकनी भूत पलिता, सौ सौ कोस दूर भगाया, चंडी तारा फिर ब्रह्मांडी, तुम तो तीन लोक की जननी। ये इसका साबर है। तो ये साबर सबके लिए करना संभव नहीं होता है। तो अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप जाप करेंगे, ओम रिम श्रिम फट, ओम एम हिम हुम फट। फिर से सुनिए, ओम रिम श्रिम फट, ओम एम रिम हुम फट। अंतिम बार क्लियरली फिर से सुना रहा हूं, ओम रिम श्रिम फट, ओम एम हिम हुम फट। इस मंत्र का 1008 जाप आप लोग करिएगा। रात में 10:30 के बाद में दक्षिण के तरफ मुख करके काला आसन रखिएगा। काला वस्त्र तो बहुत उत्तम है। इस साधना में आप रुद्राक्ष के माला का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे मैंने हमेशा बोला है कि भगवती का कोई भी जाप रात्रि मतलब सूर्यास्त के बाद रुद्राक्ष से नहीं होता, स्फटिक से होता है। लेकिन इस साधना के लिए आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। भगवती को दक्षिण की तरफ दीपक जला के आप उनका आवाहन करेंगे। आवाहन का मंत्र मैंने पहले बताया है। तो आप दीपक जला के भगवती का आवाहन करेंगे। उसके बाद सरसों तेल का भी दीपक हो सकता है, घी का भी दीपक हो सकता है, 7 तेलों का मिश्रित दीपक भी हो सकता है। दीपक में कौन सा तेल जाएगा ये डिपेंड करता है कि आप किस मनोकामना से उस साधना को कर रहे हैं। अगर तंत्र काटना है या फिर तंत्र सीखना है तो आप सरसों का तेल का उपयोग करिएगा। लेकिन यश कीर्ति और माँ का अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो घी का दीपक का प्रयोग कीजिएगा। इसके साथ आप जलाइएगा 3 अगरबत्ती, 5 अगरबत्ती, 7 अगरबत्ती, जो भी आपको जलाना है। ये आप लोग 9 दिन तक करिएगा। सामने अगर माँ तारा की तस्वीर है तो माँ तारा की तस्वीर, नहीं तो चरण पादुका रख सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो काली माँ की तस्वीर रख लीजिए। उसके बाद इस तस्वीर के सामने आप जो है 1008 जाप करेंगे। सिर्फ जाप करना है, बैठ के कुछ नहीं करना है। 9 दिन आपने जाप कर लिया, 10वें दिन या 9वें दिन के मध्य रात्रि को तिथि देख लीजिएगा और उसके बाद आप लौंग गूगल, ठीक है, और काला तिल मिला करके जो मिश्रण मैं बताता हूँ, आप लोग तो जनरली आप लोगों को ये मिश्रण रखना चाहिए भगवती हवन के लिए। तो लौंग तिल और गूगल का मिश्रण, ठीक है, और नीम का जो डाली होती है, नीम की डाली का आप लकड़ी रखेंगे जिसपे हवन होगा, और इसको त्रिकोण बनाएंगे। आप मेरा वीडियो देखिएगा अघोर हवन कैसे करें, उसमें मैंने सिखाया है। तो त्रिकोण हवन कुंड बनाएंगे, उसमें त्रिकोण ये लकड़ियाँ सजाएंगे। उसके बाद माँ भगवती के नाम से इसमें हवन करेंगे, दशांश हवन, मतलब फिर 1008 हवन होगा। और उसके बाद नींबू का बलि देंगे और लास्ट में 3 बार 3 धार आप शराब चढ़ाएंगे। इतना करने से माँ भगवती देवी तारा का जो 10 महाविद्या का जो बीज है वो उसका आप पहला चरण सिद्धि का पूरा कर लीजिएगा। और एक आम गृहस्थ के लिए ये चरण ही पर्याप्त है किसी भी तरीके के अभिचारिक
को या किसी भी तरीका का प्रयोग उन पे हो रहा हो या घर में कैसी भी नेगेटिविटी हो उसको हटाने के लिए किसी भी तरीके का भूत प्रेत बाधा हो, किसी भी तरह का बंधन हो या किसी भी तरीके का काला जादू हो उसको हटाने के लिए ये काफ़ी है। जो तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं वो आज से ही हवन शुरू कर दें, गिनती ना करके सीधे हवन करेंगे, ठीक है। और जो तंत्र के हिसाब से इस मंत्र को कर रहे हैं वो पूरा मंत्र करें, जो मैंने पढ़ के बताया उस पूरे मंत्र को पढ़ेंगे 108 बार आहुति देंगे। और जब इसका अंतिम फाइनल हवन होगा तो वो श्मशान में होगा और उसमें फिर आपको किसी जीव की बलि देनी होगी, ठीक है जी, मतलब किसी पक्षी की आपको बलि देनी होगी, जनरली जो है हम लोग काला मुर्गा का प्रयोग करते हैं। तो ये कीजिए तो माँ भगवती की कृपा आप लोगों पे आने लगेगी। जिनको साधना का शुरुआती विषय सीखना है मुझसे वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, एक पेड ग्रुप है बहुत ही कम फीस है, आप उसमें जुड़े और साधना का बेसिक व्यवस्था सीखें। जिनको भूत प्रेत में इंटरेस्ट हो वो मेरी किताब खरीद के पढ़ सकते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए मेरे वेबसाइट पर जाइए aghortantrahasya.xyz या फिर कॉल मी फॉर ऐप पर आप रुद्रनाथ सर्च करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। माँ भगवती की कृपा आप लोगों को बरसती रहे ऐसी मेरी कामना है। आदेश आदेश अलाखा।